हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको स्टैटिक नेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये बताऊंगा। इसके लिए मैं एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ। दो राउटर्स लेते हैं, एक को इस राउटर को मैं नेट क्रिएट करूँगा, नेट बनाऊँगा। इस राउटर को आप फॉरेन राउटर समझ सकते हैं, या ISP का राउटर, या एंड पे किसी भी यूज़र का राउटर हो सकता है, किसी भी बंदे का राउटर हो सकता है, किसी कंपनी का राउटर हो सकता है, या ISP का राउटर हो सकता है। और ये यूज़र है, ये कोई अदर यूज़र हो सकता है, हैकर भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो इस सिस्टम पे मैं एक सीरियल इंटरफेस लेता हूँ, दूसरा इस सिस्टम पे भी एक सीरियल इंटरफेस लेते हैं। नाउ अभी दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं एक सीरियल केबल की थ्रू। DC केबल पिक किया, यहाँ से सीरियल 0x0, और ये सीरियल 0x0 आपस में कनेक्ट कर दिया मैंने। अभी सिस्टम को कनेक्ट करना है, तो एक केबल लेते हैं, फास्ट इथरनेट से कनेक्ट करते हैं, यहाँ फास्ट इथरनेट। ओके, अभी क्या करना है, इस पे IP एड्रेस असाइन करते हैं। मैं इस पे IP एड्रेस पब्लिक, कोई IP एड्रेस ले लेते हैं 200.0.0.1, और इस पे एक IP एड्रेस लेते हैं 200.0.0.2। यहाँ पर एक प्राइवेट IP एड्रेस लेते हैं 192.168.0.1, और होस्ट में जो IP एड्रेस असाइन करेंगे 0.2 असाइन कर देते हैं। देन इधर फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे IP एड्रेस 2.1 ले लेते हैं, यहाँ पर IP एड्रेस 2.2 ले लेते हैं। ये मैंने IP एड्रेस मेंशन किया है, इसी के अकॉर्डिंग IP एड्रेस असाइन करते हैं सिस्टम पे। राउटर्स का कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस करते हैं। प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए इनेबल टाइप करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप करते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के लिए। राउटर का होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, पहले राउटर पे बैठे हैं इसलिए मैं इसका होस्ट नेम R1 रखता हूँ, चेंज हो गया है। नाउ अभी क्या करते हैं कि इस पे IP एड्रेस असाइन कर देते हैं, जो IP एड्रेस मैंने मेंशन किया हुआ है। सीरियल इंटरफेस है इसलिए IP एड्रेस इस पे सॉरी 200 की रेंज का रहेगा, क्लास C का IP एड्रेस। देन क्लॉक रेट, मैंने फर्स्ट राउटर को DC बनाया है इसलिए इस पे क्लॉक रेट देना होगा। इंटर प्रेस करते हैं, नो शट करते हैं पोर्ट को अप करने के लिए, एग्जिट टाइप करते हैं पोर्ट से बाहर जाने के लिए। इंटरफेस फास्ट 0x0 पे जाने के लिए इंटर प्रेस करेंगे, इंटरफेस फास्ट 0x0 लिख के देन IP एड्रेस असाइन करते हैं 0.1, सबनेट मास्क 255.255.0, एंटर प्रेस करते हैं। पोर्ट को अप करने के लिए टाइप करते हैं नो शट, एंटर प्रेस करते हैं। इस तरीके से फर्स्ट राउटर का कॉन्फ़िगरेशन सेट हो चुका है। फर्स्ट PC पे भी मैं IP एड्रेस मेंशन कर देता हूँ, गेटवे फास्ट इथरनेट इंटरफेस का रहेगा, आपने स्टैटिक राउटिंग में देखा ही है। दूसरे राउटर के CLI मोड पे जाते हैं, इसका होस्ट नेम सेट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं, कमांड टाइप करते हैं होस्ट नेम R2 सेट करते हैं। देन इंटरफेस सीरियल 0x0 पे जाने के लिए इंटरफेस सीरियल 0x0 कमांड एंटर करते हैं। IP एड्रेस सेट करते हैं 200.0.0.2, सबनेट मास्क टाइप करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। देन नो शट चला के आप पोर्ट को अप कर देंगे, पोर्ट से बाहर आने के लिए एग्जिट टाइप करेंगे, फिर अगले पोर्ट पे यानी कि फास्ट इथरनेट पे जाने के लिए आप टाइप करेंगे इंटरफेस फास्ट 0x0, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर फास्ट इथरनेट पे IP एड्रेस अकॉर्डिंगली असाइन करेंगे जो मैंने मेंशन किया हुआ है 2.1, देन C क्लास का सबनेट मास्क, एंटर प्रेस करेंगे। पोर्ट को अप करने के लिए नो शट चलाएंगे। इस तरीके से दूसरे राउटर पे भी आप IP एड्रेस असाइन कर चुके हैं। PC पे IP एड्रेस असाइन करने के लिए PC
पीसी का एक्सेस करके आईपी डाल देते हैं। गेटवे फास्ट इथरनेट पोर्ट का रहेगा, ये जो गेटवे है ये वाला आईपी एड्रेस है इस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस मैंने असाइन किया है। अब बेसिक नेटवर्किंग यानी कि आपको नेट करने के लिए बेसिक नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं राउटिंग कर लेता हूँ, एक स्टैटिक राउटिंग कर लेता हूँ। आईपी रूट स्पेस डेस्टिनेशन नेटवर्क 2.0 नेट मास्क देन पोर्ट जिससे कनेक्टेड है, एंटर। सेकेंड राउटर्स पे जाएंगे, इंटरफेस सीरियल 0/0 पे जाएंगे, सॉरी यहाँ पर कमांड चलाएंगे आईपी रूट 192.168.0.0 डेस्टिनेशन सबनेट मास्क देन जिस पोर्ट से कनेक्टेड है, डेस्टिनेशन पोर्ट, देन एग्जिट कर जाएंगे। वापस जाते हैं, पिंग करके देखते हैं फर्स्ट कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को। पिंग डेस्टिनेशन कंप्यूटर का आईपी एड्रेस 2.0, यस रिप्लाई आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कम्युनिकेशन हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट राउटर को मुझे इस राउटर पे नेट इनेबल करना है, तो इस राउटर को मैं दोबारा से इसके कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सेस करता हूँ और यहाँ पर नेट हमें करना है। नेट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट राउटर पे नेट का बेसिक फंडा ये होता है कि ये ट्रांसलेशन करता है पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में और प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेशन का काम करता है। तो ये मेरा पब्लिक आईपी है और ये मेरा प्राइवेट आईपी है, यानी कि इसका ट्रांसलेशन इसमें, इसका ट्रांसलेशन इसमें हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट राउटर के कमांड सेल पे जाएंगे और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। यहाँ पर कमांड चलाएंगे आईपी नेट सोर्स आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक देन इनसाइड आईपी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहाँ पर कौन क्या देना है, इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस। इनसाइड लोकल आईपी यानी कि हमारे प्राइवेट कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जिसको ट्रांसलेट करना है। देन ग्लोबल आउटसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस, इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस, इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस हमारा 200 की रेंज में 1 है। देन एंटर प्रेस कर देंगे। ये फाइनल कमांड थी। इस कमांड के थ्रू हम स्टैटिक राउटिंग इनेबल, स्टैटिक नेट इनेबल करते हैं, यानी कि यहाँ पर मैंने ये प्राइवेट आईपी दिया और ये पब्लिक आईपी दिया है, तो ये आपस में क्या होंगे, ट्रांसलेट होंगे। अभी क्या है कि ट्रांसलेशन मैंने इनेबल कर दिया है, नेट इनेबल कर, नेट मैंने कमांड चलाई है। अब हमें इनेबल करने के लिए नेट हर एक पोर्ट पे सीरियल इंटरफेस पे जाना होगा और यहाँ पर मुझे बताना होगा कि ये जो सीरियल इंटरफेस है ये हमारा इनसाइड है या आउटसाइड है। तो सीरियल इंटरफेस हमारा आउटसाइड है तो आईपी नेट आउट लिखेंगे या आउटसाइड पूरी कमांड भी लिख सकते हो। तो इससे ये पता चल जाएगा राउटर को कि ये हमारा बाहर का इंटरफेस है, बाहर वाले नेटवर्क से कनेक्टेड है। और फास्ट इथरनेट 0/0 पे यहाँ पर लिखेंगे आईपी नेट इनसाइड, आईपी नेट इनसाइड, एंटर करेंगे। इस तरीके से आपने देखा कि ये कनेक्ट मैंने क्या किया है कि हमारे इंटरफेस को बता दिया है कि ये हमारा इनसाइड नेटवर्क है और ये आउटसाइड नेटवर्क है। अभी चेक करते हैं कि नेट इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस डेस्टिनेशन जो बाहर का कंप्यूटर है ये अगर हमारे कंप्यूटर को पिंग करेगा, इस कंप्यूटर को, इस वाले सिस्टम को जिसका आईपी है 192.168.0.2, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिप्लाई किससे आ रहा है। मैंने पिंग किया है 192.168.0.2 को पर रिप्लाई आ रहा है 200 की रेंज में 1 से। तो आप देख सकते हैं कि इसमें नेट इनेबल हो चुका है, इसी वजह से ट्रांसलेशन हो रहा है, इसी वजह से ट्रांसलेशन ये हो रहा है क्योंकि इस पर नेट लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, जब भी यहाँ से कोई पैकेट आ रहा है इसके लिए तो ये ट्रांसलेट कर दे रहा है और इस आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करके इस आईपी एड्रेस में चेंज कर दे रहा है। यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, प्रिविलेज मोड पे जाएंगे, शो आईपी
नैट ट्रांसलेशन कमांड के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसलेशन हो रखा है, मैंने पिंग किया था इसीलिए यहाँ दिखा रखा है कि जो 200 की रेंज में वन ग्लोबल आईपी है वो ट्रांसलेट हो रहा है 192.168.0.2 के लोकल आईपी में। सो ये आपका स्टैटिक नेट है। इस सेशन में आपसे सीखा है कि कैसे स्टैटिक नेट कॉन्फिगर करते हैं। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग। नेक्स्ट वीडियो यानी डायनमिक नेट देखने सीखने के लिए आप हमारा सेकेंड वीडियो डायनमिक नेट आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।